नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने विभिन्न कॉलेजों में पहुंचकर बालिकाओं और महिलाओं से बातचीत की और उन्हें जागरूक किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में नारी सुरक्षा व नारी सम्मान के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नगर में गठित एंटी रोमियो स्क्वायर नगर व बाजार आदि में घूमकर बालिकाओं महिलाओं को जागरूक कर रही है। गुरुवार को जिला के शुकवाबाद के VDM डिग्री कॉलेज, रसूलपुर के कलावती कॉलेज, दाऊदयाल कॉलेज, MG कॉलेज एवं टूरला के राजकीय कॉलेजों पर अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान महिला सुरक्षा संबंधी उपाय बताए, साथ ही हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को UP पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाएं 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, बी मेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने अपने CUG नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। टीम के सदस्यों ने महिलाओं बालिकाओं से मिलकर उनके साथ खुलकर बात करते आत्मरक्षा के लिए उनका आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाते समझाया। कहा कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एंटी रोमियो टीम या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, इसका महिलाओं को सदैव एहसास होना चाहिए। कहीं आते जाते अथवा कार्यस्थल या फिर घर के आसपास कहीं कोई आपको परेशान करे तो घबराएं नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दें। इस अवसर पर अधिकारियों के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। देखिए, जैसे नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और आपको पता है कि हमारे देश में नारी सुरक्षा, नारियों के सम्मान की भावना बहुत पुरानी है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारे देश की संस्कृति में है। और इसी को देखते हुए जो नवरात्रि का त्यौहार है, इसमें पूरे प्रदेश में जो 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन है, उसके कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो महिलाएँ हैं उसमें स्पेशली सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए, कि चुप्पी तोड़ें खुलकर बोलें, इसका भाव जागृत करने के लिए ये जो कार्यक्रम है उसको किया जा रहा है। इसमें आज हमारे विभिन्न थानों में 1090 के कार्यक्रम किए जाएंगे और ये सभी प्रदेश में पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में प्रदेश सरकार में बहुत ज़्यादा नारी सुरक्षा के ऊपर फोकस रहा है और अब इमीडिएटली FIR दर्ज करके उसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसको किया जाता है। पॉक्सो के केसेस में भी हमारे जिले के अंदर में 1 महीने के अंदर में कई लोगों को दंड दिलाया गया और इसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की भी कार्रवाई हुई है विगत 1 साल में जनपद में। तो लगातार हम लोग प्रतिबद्ध हैं नारी सुरक्षा के लिए और आगे भी इसमें मिलजुल के अच्छी तरह से काम करेंगे। अजी, क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन से स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाए जहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं शुकवाबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शुकवाबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शुकोहाबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शुकोहाबाद। होली पब्लिक स्कूल में
आवासीय सुविधा उपलब्ध कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना आधुनिक कंप्यूटर लैब कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। नवोदय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शोहाबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से कक्षा 9 तक। विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा, होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456628309 एंड 9456628310। होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद।